उधर भोपाल के बैरागढ़ का एक युवक सूडान में फंसा हुआ है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सूडान में चल रही लड़ाई में भोपाल के कारोबारी के फंसे होने की खबर सामने आ रही है। तो युवक ने परिजन को फोन कर जानकारी दी, जिसके बाद परिजन ने प्रधानमंत्री से भी गुहार लगाई है मदद की। चार दिन से बिजली नहीं है, ये बात बताई, यहाँ पर बिजली नहीं है, पानी भी खत्म हो गया है, जैसे तैसे गुजारा हो रहा है। फ्लैट के सामने ही सेना का भी मुख्यालय है, कई कारतूस फ्लैट परिसर में आकर गिरे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं डर भी लग रहा है। तो मिलिट्री और पैरामिलिट्री की लड़ाई के बीच भारतीय कुछ इंडियंस फंसे हुए हैं, उनमें से एक युवक बैरागढ़ का है और उसके फंसे होने की खबर सामने आ रही है। परिजनों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अब मदद की गुहार लगाई है। सूडान में फंसे करीब 1500 भारतीयों के लिए गुहार लगाई गई है। तो देखिए, सूचना मिल रही है कि सूडान में करीब 1500 भारतीय फंसे हैं। तो देखिए, उत्तर अफ्रीकी देश सूडान के हालात भारत सरकार को पता है, पूरे देश को पता है, और ऐसे में जो लोग फंसे हुए हैं उनके लिए मदद की गुहार लगाई गई है। और चलिए इस खबर पर बातचीत करेंगे, हमारे साथ संवाददाता सूरज शर्मा लाइव जुड़ गए हैं। सूरज, देखिए यूक्रेन में भी वॉर हुआ था, उस दौरान भी कई भारतीय लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वापस लेकर आए थे, और अब साउथ अफ्रीका की हम यहाँ बात कर रहे हैं, सूडान की बात कर रहे हैं, जहाँ भोपाल का एक युवक फंसा हुआ है। देखिए बिल्कुल प्रगति, देश दुनिया में कहीं भी युद्ध जैसी हालात बनते हैं तो कहीं ना कहीं भारत भी उससे प्रभावित होता नजर आ रहा है। चाहे रूस यूक्रेन की बात करें या जिस तरीके से सूडान में हम देख रहे हैं कि दोनों सेनाएं, खासतौर से मिलिट्री और पैरामिलिट्री के बीच जो युद्ध जैसी हालात बने हैं, तो उसमें मध्य प्रदेश भी उससे प्रभावित नजर आ रहा है। मैं एक परिवार के साथ हूं, जयंत केवलानी है जो 23 साल के युवा है और अपने बिजनेस के सिलसिले में सूडान पहुंचे हैं। तो उनका परिवार है और सभी इसी उम्मीद में है कि कब उनका बेटा पोता जो है वो वापस आएगा। खासतौर से सबसे पहले दादाजी से बात करूंगा, क्योंकि पोते और दादा का एक अलग ही रिश्ता होता है। तो पोता आपका फंसा हुआ है जयंत, वहां पर क्या मनोभाव है और क्या उम्मीद कर रहे हैं कि कब तक वो वापस आ जाए? अब ये तो चक्कर है, आज आ जाए, हमारे तो ये कहा आज ही आ जाए। ये तो डेली हमसे बात करता है, हंसता है, बात करता है, बात ही नहीं हो रही है। कब से आपकी बात नहीं हुई है? दो दिन से तो मैंने बात ही नहीं की है, वैसे डेली बात करता है, मेरे से हंसता है, बात करता रहता है। अब बात भी हुई होगी आपकी दो दिन पहले, तो क्या स्थिति थी और अब जिस तरीके से पता चला कि बताया नहीं बेटा, वो तो हमारे बच्चे ने बताया कि न्यूज में ऐसा है, उसने नहीं बताया, उसने तो घर वालों को भी नहीं बताया। माँ भी हैं, हम देख सकते हैं चूंकि माहौल ऐसा है, सभी लोग भावुक हैं क्योंकि युद्ध जैसे हालात हैं और बेटा फंसा है, तो कहीं ना कहीं मन की दशा भी अलग होती है। लेकिन फिर भी हम जानना चाहेंगे कि आपकी बेटे से बात हुई, क्या स्थितियां बताई वहां पर, कैसी स्थितियां हैं? बात तो हो रही है, थोड़ी देरी हो रही है, और वो बोला है कि लाइट बंद है, पानी की दिक्कत, खाने पीने की दिक्कत है। वो तो बोला चिंता मत करो, पर लग रहा है ना कि जल्दी समाप्त हो युद्ध, तो घर आ जाए मेरा बेटा। वो तो ये भी सामने आ रही है कि जिस फ्लैट में वो ठहरे हैं उसके सामने ही मिलिट्री का बेस है, तो इसलिए बहुत फ्रंट पे ही वॉर हो रहा है। वो दिखा रहा है हमको लाइव कि देखो ऐसा हो रहा है, यहाँ फटाके हो रहे हैं, बम बारूद हो रहा है, गोलियां चल रही हैं, सब हमको लाइव दिखा रहा है, मतलब व्हाट्सएप पे कॉलिंग हो दिखा रहा है हमको बराबर। पता भी है, उनसे भी बात करेंगे। बेटे से कब बात हुई और ऐसी कुछ परिस्थितियां क्या लग रही हैं वहां पे, कुछ पैनिक स्थिति है, खाने पीने की क्या व्यवस्था है? दो दिन हो चुके हैं और जहां रह रहे हैं वहां पर भी क्या कोई ऐसा हमला हुआ, जैसे कि आपने कुछ देर पहले फोन में वीडियो दिखाए थे कि कई गोलियां भी उनके घर के आसपास पड़ी हुई मिली, तो फायरिंग वहां लगातार हो रही है? फायरिंग आसपास है, मिलिट्री एरिया, तो फायरिंग तो वहीं आसपास हो रही है। खाने के लिए सामान उनके पास थोड़ा बहुत बचा हुआ है, पानी बहुत कम है उनके पास, और करीबन 100 लोग हैं इंडियन वहां पे, एमपी से हमारा बच्चा है, बाकी प्रदेशों के बच्चे हैं। हम तो चाह रहे हैं गवर्नमेंट से ये करेंगे कि हमारा बच्चा स्कूल से वापस आए, सब बच्चे वापस आ जाए जितने लोग हैं वहाँ पे। तो वो कब से सूडान में है एक तो हम ये जानना चाहेंगे, और जब आखिरी बार बात हुई, अभी आज बात हुई, कल बात हुई, क्या परिस्थिति है यदि हम अभी बात करें? कल शाम को हमारी बात हुई है उससे, और बाकी 4 मार्च को यहाँ से गया है वो दुबई से, पहले वो दुबई में था, 2-3 बार पहले भी जा चुका है वहाँ पे, लेकिन ऐसी हालत हमको नहीं मालूम था कैसा होगा वहाँ पे। 20 तारीख को उसका रिटर्न भी है वहाँ से, अब देखते हैं क्या होता है। अच्छा, कोई संभावना थी कि इस तरीके के हालात सूडान में बन रहे हैं कि आने वाले समय में कुछ गृह युद्ध जैसी स्थितियां बन सकती हैं, तो उसके पहले वापसी हो जाए, या एकदम से पता चला कि ये युद्ध जैसी हालात बन चुके हैं वहाँ पर? हमको तो 2 दिन तक तो मालूम ही नहीं था, हमने पेपर में पढ़ा कि वहाँ पर ऐसा हो गया है, गृह युद्ध हो गया है, लेकिन दो बच्चे वहाँ जिसके साथ हैं, दोस्त हैं जो,
उनकी टिकट 16 और 17 की हुई, और ये 16 तारीख 15 तारीख रात को ही हो गया इनका, तो वो भी वहीं रुके हुए हैं अभी। वहाँ के हालात की बात करें तो जैसे आपने कहा पानी भी नहीं है, तो सरकार से कोई मदद हुई, आपने किसी प्रकार से मध्य प्रदेश सरकार या भारत सरकार से मदद की कोई मांग की? किसी ने ट्वीट किया है शिवराज सिंह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को, विदेश मंत्रालय में किया है हमने ट्वीट, अब देखते हैं क्या जवाब आता है, कल रात को हमने ट्वीट किया है। वो सरकार से उम्मीद है कि वो जयंत को वापस लाएंगे, क्योंकि हमने देखा रूस यूक्रेन के समय भी भारत सरकार लेकर आई थी, तो उम्मीद की जाए कि बाकी जैसे भारतीय और भी फंसे हैं 1500 जो लोग भारतीय फंसे हैं उनके लिए भी सरकार मदद करेगी? बिल्कुल करेगी, क्यों नहीं करेगी, सरकार तो मदद करने के लिए ये तो बिल्कुल करेगी सरकार। बिल्कुल सरकार से उम्मीद बहुत ज्यादा है। और दादाजी से एक बार हम फिर से जानना चाहेंगे, उसके स्वभाव के बारे में बताएं, जिस तरीके से आपकी दोस्ती काफी अच्छी थी ऐसे आप बता रहे थे, और आज कहीं ना कहीं वो विपरीत परिस्थितियों में फंसा हुआ है, तो क्या उम्मीद करते हैं, क्या प्रार्थना भगवान से कर रहे हैं कि सकुशल वापस आ जाए? प्रार्थना भगवान से जल्दी आ जाए, जल्दी देखें हम। तो सरकार से उम्मीद है कि बेटा सकुशल और जल्द से जल्द वापस आ जाए? उम्मीद तो यही करते हैं हम सरकार से, उम्मीद यही करें जल्दी जल्दी आ जाए बच्चा मेरा। 23 साल उम्र है, बहुत कम उम्र है, और ऐसे में व्यापार बिजनेस बहुत बढ़ाया, तो कहीं ना कहीं आपको भी गर्व होता होगा कि हाँ पोता बहुत अच्छा काम कर रहा है। अच्छा कर रहा सर, बहुत अच्छा, सबसे बड़ा पोता है मेरा। बिल्कुल प्रगति, एक बुढ़ापे में हम कहते हैं कि सबसे अच्छा दोस्त एक बुजुर्ग का पोता ही होता है, और पोते का सबसे अच्छा दोस्त भी उसका दादा होता है, और यही यहाँ पर नजारा देखने को मिल रहा है। जो भावनाएं हैं वो यही कह रही हैं कि सब यही उम्मीद कर रहे हैं कि उनका जो बेटा है या पोता है, चाहे मम्मी पापा की बात हो, दादा की बात हो, या परिवार के और भी लोग हैं जो यहाँ पर टकटकी लगाए बैठे हैं और अपने मोबाइल चेक कर रहे हैं कि शायद किसी ट्वीट का रिप्लाई आए, सरकार की तरफ से कोई मदद आए, परिवार के तमाम जो लोग हैं वो इसी इंतजार में हैं। और इनके चेहरे भी आप देख सकते हैं कि जब से पता चला है तब से ही तमाम जो चेहरे हैं वो मायूसी भरे नजर आ रहे हैं, ना कोई अच्छे से खाना खा पा रहा है, ना कोई दूसरा काम कर पा रहा है, सभी यही उम्मीद कर रहे हैं प्रगति कि जयंत जल्द से जल्द भारत वापस लौटे, और सरकार की तरफ उम्मीद की जो नजर है वो सबकी है कि सरकार कुछ मदद करे और उनका जो बेटा है वो वापस सकुशल वापस आए। प्रगति बिल्कुल सूरज ठीक कहा आपने, तो मेरा बेटा जल्द से जल्द बस वापस आ जाए उम्मीद यही है, और सरकार से मदद की गुहार यहाँ पर लगाई गई है। परिवार के ये चेहरे आप देख रहे हैं, देखिए ये समय बेहद ही मुश्किल भरा है घर वालों के लिए, लेकिन तस्वीर आप देखिए, माँ कितनी बहादुर है यहाँ पर बता रही हैं कि बेटा फंसा हुआ है, लेकिन उम्मीद यही है कि जल्द से जल्द वापस लौटेगा जयंत, वापस सुरक्षित सकुशल आएगा।